बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि इसको लगाते कैसे। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring that. Hey guys, this is Sana and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि टोनर का यूज कैसे करते हैं एंड कौन सा टोनर बेस्ट होता है फॉर ऑयली स्किन एंड टोनर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो ये सारी बातें आज के वीडियो में कवर होने वाली है। मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो वो है ये बायोटेक एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। इस टाइप की बॉक्स में इसकी हमें आउटर पैकेजिंग मिल रही है, इनर पैकेजिंग में हमें इस टाइप की प्लास्टिक बॉटल मिल रही है। ये जो प्रोडक्ट है 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आपको हमेशा ही ऐसा टोनर लेना चाहिए जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो एंड अल्कोहल फ्री हो, प्लांट से एक्सट्रैक्टेड हो। ऐसे टोनर हमारे स्किन को कोई हार्म नहीं करते हैं क्योंकि टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। तो जब भी आप टोनर ले, हर्बल ही ले। तो इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। प्राइस इसका है 175 रुपीज एंड 175 रुपीज में हमें क्वांटिटी मिल रही है 120 ml। अगर आप इसका यूज मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम करते हैं तो ये जो बॉटल है वो 2 to 3 months आराम से चली जाएगी। क्योंकि मैं भी इसको यूज करती हूँ सो मैं इस बेसिस पर आपको बता सकती हूँ कि ये जो एक बॉटल है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग यूज करने पर 2 to 3 months आराम से चल जाती है। सो टोनर जो है वो हमारी स्किन पर एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पर तो ये हमारे फेस पे एक लेयर बना देता है जो कि अगेंस्ट वर्क करती है पॉल्यूशन या फिर बैक्टीरिया के। सो अगर आप अभी तक टोनर का यूज नहीं कर रहे तो आपको टोनर का यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो यही टोनर हो, आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है कुकुम्बर, दारू हल्दी, कोरिएंडर, पिपरमेंट ऑयल एंड फ्रेश वाटर ऑफ हिमालय। तो कुकुम्बर जो है वो हमारे स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देने के काम आएगा। बाकी सभी इंग्रेडिएंट हमारी स्किन को ब्राइट एंड फ्रेश प्योर बनाएंगे एंड ऑल्सो ये सभी इंग्रेडिएंट जो है वो हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करने की काम करेंगे एंड इसके यूज के कुछ टाइम बाद ही हमारी स्किन ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड यूथफुल दिखने लगेगी। सो ये तो थी इन्फो कि कैसा टोनर हमें यूज करना चाहिए एंड टोनर के क्या बेनिफिट होते हैं। अब बात करते हैं कि टोनर हमें यूज क्यों करना चाहिए या क्यों ही हम टोनर का यूज करें, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि टोनर का यूज करने से क्या ही होता है। सो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम फेस क्लीन करते हैं सो क्लीनिंग के बाद भी कभी कभी जिसकी ऑयली स्किन ज्यादा होती है उसके फेस से एक्स्ट्रा ऑयल क्लीन नहीं हो पाता है। सो टोनर अप्लाई करने के बाद जो वो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी रिमूव हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो ऑयल मीन्स जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारे फेस से सोप या फिर फेस वॉश रिमूव नहीं कर पाया उसको रिमूव करने का वर्क टोनर करता है। सो इस चीज से एक बात और क्लियर हो गई कि जिन लोगों की भी ऑयली स्किन होती है अगर वो टोनर का यूज नहीं कर रहे हैं सो उनको तो टोनर का यूज करना ही चाहिए एंड ऑयली स्किन वालों के लिए टोनर एक एसेंशियल प्रोडक्ट है। ऑयली स्किन वालों को रेगुलर यूज करने चाहिए टोनर के क्योंकि इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होती है। किसी पर्सन को फेशियल हेयर की भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो टोनर है वो फेशियल हेयर की प्रॉब्लम को कम करने के काम भी आता है। तो जब भी हम फेस वॉश करें उसके ड्राई हो जाने के बाद सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हमें टोनर यूज करना है क्योंकि जिनकी भी ऑयली स्किन है उनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दिखती ही है। अगर पोर्स पर टाइम पर ध्यान ना दिया जाए तो पोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली पोर्स टाइटनिंग के लिए ही बना है। ये प्रोडक्ट क्लेम भी करता है कि ये जो टोनर है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देगा बट पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेगा आपके पोर्स को, बट काफी हद तक उनका जो साइज है वो डिक्रीज कर देगा क्योंकि टोनर से काफी हद तक पोर्स जो है वो टाइट हो जाते हैं और उनका साइज भी डिक्रीज हो जाता है। एंड पोर्स टाइटनिंग के लिए आप इस पर्टिकुलर ब्रांड को चुन सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपके पोर्स को टाइट करने में हेल्प करता है। इस टोनर का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि ये जो टोनर है बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वाटर लाइक है, मीन्स बिल्कुल भी हैवी नहीं है, फेस पर भी हैवी फील नहीं होता है इसको अप्लाई करने के बाद। फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो हर्बल टाइप है, या ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो जिन पर्सन को काम एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है तो हो सकता है कि इसकी फ्रेग्रेंस उनको पसंद ना आए। इसको लगाने के बाद फेस पर कोई भी हैवीनेस फील नहीं होती क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है एंड 2 to 3 minutes में ही ये हमारे फेस से फेड आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि हमने फेस पर कुछ अप्लाई किया है।
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमारी स्किन को बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, तो हो सकता है कि आपको विंटर्स में उतना अच्छा नहीं लगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लगने वाला है आपको ये, क्योंकि इसमें कुकुम्बर है इसलिए। बट समर्स में ये आपका फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है क्योंकि ये फेस को बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये जो प्रोडक्ट ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं बना है, ओनली नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बना है। सो वही लोग इसे यूज करें, ड्राई स्किन वाले यूज ना ही करें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा उन लोगों के लिए। एंड ऑल्सो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी नहीं है ये प्रोडक्ट, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं। बस आपको जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी आपको इचिंग टाइप होगी, बट हार्म बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो है आयुर्वेदिक। एंड आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे स्किन को कभी भी हार्म नहीं करते हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सेंसिटिव स्किन वालों को। बाकी ऑयली स्किन वाले इसका यूज कर सकते हैं, मेनली इसको बनाया ही गया है ऑयली स्किन के लिए। सो अब बारी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड इसके मुझे बेस्ट रिजल्ट ही देखने को मिले। विंटर्स हो या फिर समर्स, मेरे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल या फिर ऑयल का बैलेंस जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ तब से ही ऑयली ऑयली स्टिकी स्टिकी वाली फीलिंग तो मतलब मुझे जब से मैं इसका यूज कर रही हूँ तब से नहीं हुई है। मुझे इस प्रोडक्ट के काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सो ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकुम्बर जो टोनर है वो आपको यूज करना चाहिए अगर आपके ऑयली स्किन है तो, या फिर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन में कन्वर्ट हो रहे हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारी नॉर्मल स्किन रहती है बट नॉर्मल स्किन भी हमारी जो है ऑयली स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पर। सो अगर आपकी ऑयली स्किन हो रही है तो आप जरूर इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। बाकी मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा एंड मैं इसको डेली ही यूज करती हूँ। तो बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि इस प्रोडक्ट को लगाते कैसे हैं, तो वो भी मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि इसे हमें कैसे यूज करना है। इस प्रोडक्ट की मुझे एक ही कमी लगी, वो ये है कि इसमें होल जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हाथ में हम प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वेस्ट होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इसको लगाएं तो एक कॉटन बॉल का यूज करें क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप हाथ में लेकर लगाते हो तो जरूर प्रोडक्ट वेस्ट होगा क्योंकि इन्होंने जो होल दिया हुआ है वो काफी बड़ा है, तो जिससे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। सो ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना चाहते हैं। पाम पर लेकर आप नॉर्मली रब करके फेस पर डैप डैप करके यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको कॉटन बॉल पर इसे लेना है एंड इस तरीके से इसको निकालना है एंड सॉफ्ट हैंड से आपको पूरे फेस पर टिप करना है। इस तरीके से आप पूरे फेस पर लगाइए, बट मैं आपको ओनली डेमो दे रही हूँ। आपको हमेशा इसको यूज करना है क्लीन फेस पर। जब भी आप फेस वॉश करके आए तुरंत बाद ही आप इसको अप्लाई करिए तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आपको डैब डैब करके ये प्रोडक्ट लगाना है, रब नहीं करना है। इस तरीके से रब बिल्कुल भी नहीं करना है, ओनली डैब डैब करिए एंड 2 to 3 minutes बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन से फेड आउट हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है। इसको लगाने के बाद आप जैसे रेडी होते हैं नॉर्मल जो भी आप प्रोडक्ट का यूज करते हैं आप वो प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।